बॉस इसी साड़ी लिया दे हो जिसकी चमक निराली। बॉस इसी साड़ी लिया दे हो जिसकी चमक निराली। बॉस इसी साड़ी लिया दे चमक निराली। हो जिसकी चमक निराली। हो जिसकी चमक निराली। बॉस इसी साड़ी लिया दे जिसकी चमक निराली। बॉस इसी साड़ी साड़ी ऊपर साड़ी ऊपर फोटो में भारत के सभी आर्य ऋषि दयानंद तिलक गोखले स्वामी शंकराचार्य गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपाल आचार्य हो। गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपाल आचार्य। रक्षा मंत्री भारत के रे रक्षा मंत्री बलदेव सिंह सरदार भी हो। राजेंद्र प्रसाद पटेल गांधी वीर जवाहर भी हो। हंसते हंसते जेलो अंदर बढ़ने को तैयार भी हो। काले पानी पहुंचाए गिरोने जाने कपाली। बॉस इसी साड़ी लिया दे लाडली बहन है मेरी। एक बार जोरदार ताली बजाओ दीपा के लिए। एक कली मैं सुना दूं, दो सुना दो। बहुत ऊंची आवाज है, उच्चा सुर है, नु देख लिया कदे लेने के देने पड़ जा मन ने संभालेंगे साथ देना। सुनिए नेताजी सुभाष की रागनी चल रही है। भाभी न्यू बोली देवर के करेगा न बोले भाभी क्रांतिकारी बनूंगा। तेरे को पता है कितने क्रांतिकारियों ने खून की शहादत देके ये आजादी पाई है? बोले पता है भाभी। तो देवर सुन, कुछ क्रांतिकारियों के फोटो भी मेरी साड़ी के ऊपर होने चाहिए। सुनिए दूसरी बात में क्या है। अरे चंद्रशेखर, चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह, रास बिहारी बोस भी हो, लाल लाजपत राय लाहौर में पिटता हुआ निर्दोष भी हो, राजगुरु सुखदेवर बिस्मिल मरता हुए मजोस भी हो, राजगुरु सुखदेवर बिस्मिल मरते हुए मजोस भी हो, जलिया वाले बाग का जलसा टायर फायर करीता हो, भारत का बदला लेने लंदन में शेर विचरीता हो, ऊधम सिंह की गोली ते लंदन में टायर भरेता हो, ऊधम
पता होगा, इस भारत देश में दानी नहीं महादानी हुए हैं, जिन्होंने अपने वचनों की खातिर यहां तक कि एक लौते बेटे को भी दान में दे दिया और ये कह दिया कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसे ऐसे दानियों की फोटो भी मेरी साड़ी के ऊपर होनी चाहिए। किस तरह से के कहने लगी राम और लक्ष्मण राज छोड़ के वन में धक्के खाते हो, हरिश्चंद भी सत के कारण काशी में बिक जाते हो, जगदेव पवार काट के गर्दन दान में शीश चढ़ाते हो, जगदेव पवार भी काट के गर्दन शीश चढ़ाते हो, रे राजा मोर धज चीर के लड़का किरसन का से रजिमाते हो, हिरना कुश पहलाद भक्त को लाल खंभ पकड़ाते हो, राजा भोजी और विक्रमादित्य पर जाका कष्ट मिटाते हो, दिन आजादी का हो रे दिन आजादी का हो रे पूजा शब्द में 1000 गाली देनी हो, उन्होंने कह दो नेताजी राम राम, नेताजी का मतलब 1000 गाली है। लेकिन एक नेता यो ऐसा होया जिसके नाम क्या के नेता लगर सारी जिंदगी आज तक और आगे भी इज्जत से नाम लिया जाएगा। यू तो क्रांतिकारी बहुत हुए लेकिन जो काम मेहरबानो सुभाष ने कर दिया शायद कोई नहीं कर पाएगा। हिंदुस्तान से निकल के काबुल गया अफगानिस्तान, काबुल से जर्मन में पहुंचा हिटलर की मदद लेके, ये कहा कि मैं एक फौज बनाऊंगा। हिटलर बोलिया कैसे फौज बनाओगे कि अंग्रेजी सेना में ब्रिटिश इंडियन ब्रिटिश सैनिक लड़के जवान इंडिया के और अंग्रेजों ने फौज में भर्ती करे। सिंगापुर की लड़ाई में कुछ सिंगापुर में बंद है, कुछ जापान में बंद है और कुछ जर्मन में बंद है, उनको इकट्ठा करूंगा, एक फौज तैयार करी लोगो, एक फुट्टी कोटी जेब में नहीं लेकिन हौसला देखो, एक फौज का निर्माण कर दिया, आजाद हिंद फौज नाम धरा और सबसे पहले अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा झंडा लहरा के आगाज कर दिया कि हिंदुस्तान आजाद बन चुका है। सजनों आज किसी बच्चे से पूछा जाए कि देश का पहला प्रधानमंत्री कौन तो सब न्यू कहेंगे जवाहरलाल नेहरू, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है सन 1945 में अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर के अंदर जहां काले पानी की सजा तोड़ी जाती थी वहां
आजाद हिंद भारत का निर्माण कर दिया था और देश का पहला प्रधानमंत्री और कोई नहीं सुभाष चंद्र बोस को घोषित किया। ये तो राजनीति के चक्कर पड़ गए। आखिरकार 47 में देश आजाद हुआ। अंग्रेजों ने एक डिमांड करी और क्रांतिकारी तो नुए थे, बस तुम हमने केवल सुभाष को दे दो, हम इसके दिमाग को निकाल के परीक्षण करेंगे। इतना दिमाग वाला लोगों, देश का बाप उस टाइम बापू गांधी बना हुआ था, देश का चाचा जवाहरलाल नेहरू बना हुआ था। उस टाइम भी चुनाव हुआ, जवाहरलाल नेहरू तो एक वोट तक हार गया था, नहीं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बनता। मेहरबानो, उस टाइम साइन कर दिए गांधी जी ने कि मैं देश का राष्ट्रपिता होने के नाते सुभाष को मैं आपके सुपुर्द करता हूं। सन 1945 में सुभाष इतना दिमागदारी आदमी, जहाज को क्रैश करवा दिया और दुनिया में खबर फैलवा दी कि सुभाष तो मर चुके हैं। फिर भी अंग्रेज जागे, जच्ची को न्याबाद। और जब देश आजाद हो गया, इस बात का भी प्रमाण मिला कि देश का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ताशकंद गया। ताशकंद के अंदर जवाहरलाल नेहरू को सुभाष चंद्र बोस से भेंट हुई। उसी टाइम जवाहरलाल नेहरू ने फोन करा और 3 घंटे पाछे खबर आ ली कि लाल बहादुर शास्त्री हार्ट अटैक आकर वहीं मर लिया। ये इतिहास छुपाया गया है। यहां सुभाष कहता है कि भाभी तने सारी दुनिया के फोटो लगवा लिए, तू चाहती क्या है? बोले ये साड़ी को ना, ये देश की तस्वीर है। तो भाभी इस देश की तस्वीर में क्या एक फोटो मेरा नहीं लगना चाहिए? भाभी ने बोली देवर तेरा फोटो, अरे तेरा फोटो लगेगा, पर तब लगेगा जब तू यो काम कर देगा। कौन सा? सुनिए क्या लिखा। रामायण महाभारत गीता, रामायण महाभारत गीता धार्मिक इतिहास भी हो, आजादी आती दिखे गुलामी का नाश भी हो। और ताली चाहूंगा, लाल किले पे तिरंगा झंडा और सामने खड़ा सुभाष भी हो। लाल किले पे तिरंगा झंडा, सामने खड़ा सुभाष भी हो। सरदार सिंह तूफान के है गुरु, पृथ्वी सिंह उमंग में हो, मजदूर किसानों का नेता सर छोटू राम भी संग में हो। भारत का दिखे भारत का बच्चा बच्चा फिरे आजादी के रंग में हो। और